राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी आज रांची में एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि इंडी यानी कि अलायंस में अगर हमें जगह नहीं मिलती है तो हम 51 सीटों पे अपने उम्मीदवार उतारेंगे, जिसमें शंभू कुमार बोकारो से प्रमुख दावेदार हैं। और वहीं इन्होंने कहा कि 7 से 8 सीटें हमारी झोली में आएगी। अगर नहीं मिलेगा तो हम भी तो एक राजनीतिक दल हैं, हमारा तो अधिकार है, हमारे साथियों का भी तो अधिकार है, इनका भी तो राजनीतिक भविष्य है। और कई साथी आपके सामने जो जुड़ रहे हैं, इनका भी इनकी अपनी हैसियत है। तो झारखंड में हम लोग एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरेंगे, झारखंड के नवनिर्माण में हमारी बड़ी भूमिका होगी, ये तय है। तो इसलिए नहीं, जल्दी करेंगे, एक दो दिन में सब कर देंगे, एक दो दिन में फाइनल करेंगे, अभी स्क्रूटनी में ही हैं हम लोग, एक दो दिन में सब कर देंगे। तो अपना सूची हम लोग बना करके केंद्रीय नेतृत्व को सौंप चुके हैं। यहाँ का हमारा संसदीय बोर्ड का मीटिंग हुआ था कल, उसमें हम लोग तमाम पूरे झारखंड से एक सूची बना करके उनको प्रस्तुत कर चुके हैं। 1 से 2 दिन में निर्णय हो जाएगा हम लोग कितने सीट पर लड़ेंगे और कौन कौन उम्मीदवार होंगे। देखिए, पार्टी में एक सबसे पहली बात है, एक राष्ट्रीय पार्टी है और शरद पवार जी का एक साफ सुथरा छवि रहा है। और हमको नहीं लगता है शरद पवार जैसे विचारधारा आज के डेट में, आज के तारीख में, कि बहुत कम नेताओं के पास, राष्ट्रीय नेताओं के पास है। जो क्षमता शरद पवार जी में है वैसा क्षमता भी बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। और रहा शरद पार्टी से जुड़ने का मकसद, देखिए सभी पार्टियों का एक अपना विचारधारा है और मेरे विचारधारा से जो मेल खाता है वो शरद पवार जी की विचारधारा है। जैसे हमारा सोच जो है, मेरा सोच है कि सभी बच्चे जो भारत के निवासी हैं, जो भारत में बच्चे हैं, उनका शिक्षा फ्री होना चाहिए। वो सरकारी स्कूल में पढ़े चाहे प्राइवेट स्कूल में पढ़े, सारा खर्च सरकार को वहन करना चाहिए। स्वास्थ्य की जिम्मेवारी सब सरकार की होनी चाहिए, चाहे आप गरीब हों अमीर हों, आप सरकारी अस्पताल में इलाज कराएं प्राइवेट में कराएं, लेकिन सारा खर्च जो है वो सरकार को वहन करना चाहिए। तीसरा हमारा सोच है कि हर व्यक्ति का एक सुनिश्चित बीमा होना चाहिए। तो ये हमारा सोच है कि 24 घंटे के अंदर कोई भी घटना दुर्घटना होने पर उसको ये मिलना चाहिए। तो हमारी एक तरह ये सोच है, जो हमारा सोच कहीं ना कहीं शरद पवार जी से मिलता जुलता है। तो इस विचारधारा को लेके हमने शरद पवार जी के साथ जुड़ने का निर्णय लिया। और बाकी हमारी विचारधारा कहीं भी किसी भी लोगों को जातिवाद या धर्म में बांटने का नहीं है, जो इस पार्टी में आपको कहीं भी देखने में नहीं मिलता। गद्दार लोगों की हम कोई चर्चा नहीं करना चाहते हैं। जिस व्यक्ति को हमारे नेता आदरणीय शरद पवार साहब ने उंगली पकड़ के राजनीति सिखाया, जिसको विधायक बनाया, हर तरह के संसाधन मुहैया करवाया, वैसे व्यक्ति ने पार्टी के साथियों के साथ पीठ में खंजर भोंक करके वो चले गए। आज तक जब से पार्टी का निर्माण हुआ, मैक्सिमम समय तक कमलेश बाबू ही यहाँ लीड करते रहे, वही अध्यक्ष के रूप में थे। लेकिन संगठन में अपने अलावा हुसैनाबाद जो उनका विधानसभा क्षेत्र था, उसके अलावा कहीं वो संगठन का विस्तार नहीं कर पाए। उनकी पता नहीं किस प्रकार की मजबूरी थी, उनकी निष्ठा कैसी थी। अब ऐसे व्यक्ति के बारे में हम क्या चर्चा करेंगे, चलेगा अपना। अब उसी समझिए, अब हम तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को आगाह करना चाहते हैं कि जो व्यक्ति शरद पवार साहब का नहीं हुआ, अभी हाल के दिनों में जो व्यक्ति अजीत पवार का नहीं हुआ वो उनका होगा। अब हमारे प्रमुख साथी जो आज